हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पैडागोजी के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ ये इस वीडियो का फिफ्थ पार्ट है जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो चार वीडियो अपलोड हुए हैं वो भी आप जरूर देखें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है लर्नर टू एक्वायर अ लैंग्वेज बाय यहाँ पे बता रखा है जो लर्नर होगा किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करेगा चार ऑप्शन हमारे सामने हैं पहला ऑप्शन है लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज यानी कि जो स्पीकर जो लैंग्वेज बोल रहा है उसके कल्चर को समझ के कोई भी लर्नर किसी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है सेकेंड ऑप्शन है यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरमेंट यानी कि उस लैंग्वेज को एक नेचुरल इंट्रैक्टिव एनवायरमेंट में यूज करके कोई लर्नर किसी लैंग्वेज को समझ सकता है या फिर थर्ड ऑप्शन है एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज यानी कि किसी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उस लैंग्वेज को सीख सकता है या फिर स्टडिंग द कल्चर ऑफ दैट लैंग्वेज यानी कि उस लैंग्वेज का कल्चर को स्टडी करके लैंग्वेज सीख सकता है इनमें फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है ये है कल्चर के बारे में कल्चर के थ्रू हम लैंग्वेज से कनेक्ट जरूर होते हैं पर उससे हम डिटेल में लैंग्वेज को नहीं समझ सकते अगर हमें कोई भी लैंग्वेज लर्न करना है कोई भी न्यू लैंग्वेज तो हमें एक नेचुरल इंट्रैक्टिव इन्वायरमेंट में हमें उस लैंग्वेज को यूज करना आना चाहिए देखिए हम लोग जनरली हिंदी बोलते हैं और बाकी किसी लैंग्वेज को बोलने में हम लोगों को डिफिकल्टी होती है इसका एक ही रीज़न है कि हमारे घर में अदर लैंग्वेज बहुत कम यूज़ होते हैं इस वजह से हम लोग उससे लैंग्वेज से फेमिलियर तो होते हैं बट हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो अगर आपको किसी लैंग्वेज को सीखना है वो भी प्रॉपर तरीके से तो आपको एक नेचुरल इंटरक्टिव एनवायरमेंट में रहना पड़ेगा इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटेजीज अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि स्कैनिंग और स्कीमिंग ये जो दोनों के दोनों वर्ड है वो रीडिंग के टाइप है रीडिंग चार तरीके की होती है इंट्रेंसिक एक्सटेंसिव स्कैनिंग एंड स्कीमिंग तो इस क्वेश्चन में तो नो डाउट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं सी सी ई के बारे में पूछ रखा है क्वेश्चन है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन क्या होता है अब देखिए यहां पे पहला ऑप्शन दे रखा है कंटिन्यूस टेस्टिंग यानी कि आप कंटिन्यूस बच्चे का टेस्ट लेते रहो वो ही सी है सेकेंड ऑप्शन है कंटिन्यूस असेसमेंट हम कंटिन्यूस बच्चे का असेसमेंट करें ये सीसीई है या फिर असेसमेंट ऑफ लर्नर वाइल्ड लर्निंग यानी कि जब बच्चा कुछ लर्न कर रहा है उसी समय उसका असेसमेंट करो वो सी सी ई है या फिर प्रियोडिक कंडक्ट ऑफ टेस्ट देखिए प्रियोडिक टेस्ट को हम सी सी ई में काउंट नहीं करते सी सीई के अंदर बच्चा कंटिन्यूसली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करके चीजें लर्न करता है उसकी लर्निंग के टाइम में तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है अससमेंट ऑफ लर्नर वाइल्ड लर्निंग यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरेशन लर्नर आर दोस्ट हुनरेशन लर्नर होते हैं वो कौन होते हैं पहला ऑप्शन है द फर्स्ट फ्रॉम देअर फैमिली टू कम टू स्कूल सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन थर्ड ऑप्शन दे रखा है लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम और लास्ट ऑप्शन दे रखा है लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम पहले ऑप्शन का मतलब है जो पहली बार अपनी फैमिली से निकल के स्कूल की तरफ आ रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार एडमिशन लेने आए हैं थर्ड ऑप्शन में हमें बोल रखा है कि ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार हिंदी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं या फिर लास्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश को पहली बार लर्न कर रहे हैं देखिए फर्स्ट जेनरेशन लर्नर उनको कहा जाता है जो फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से निकल के वो स्कूल में कुछ चीज सीखने आ रहे हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग जो हम क्लासरूम में रैपिड रीडिंग करते हैं इसका मेन पर्पज क्या है रैपिड रीडिंग में बच्चा फास्ट फास्ट चीजें रीड करता है इसका मेन पर्पस क्या है देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन दे रखा फॉर इंटरेस्ट बच्चा अपनी इंटरेस्ट के लिए रैपिड रीडिंग करता है सेकेंड ऑप्शन है फॉर स्पेसिफिक डिटेल बच्चे को कोई स्पेसिफिक डिटेल मिले इसके लिए वो रैपिड रीडिंग करता है थर्ड है एक्सटेंडेड रीडिंग रैपिड रीडिंग को एक्सटेंडेड रीडिंग कहा गया है या फिर लास्ट ऑप्शन है सीकिंग इंफॉर्मेशन बच्चा इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा है इसलिए वो रैपिड रीडिंग कर रहा है देखिए जो रैपिड रीडिंग होता है इसका मेन पर्पस ये होता है कि बच्चा चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ता है ताकि उसे एक स्पेसिफिक डिटेल चीज़ों की मिल सके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन हम लोगों के सामने है अटेंशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी इंप्रूव बाय अगर एक क्लास में आप पढ़ा रहे हो और आपको किसी बच्चे का अटेंशन को और इम्प्रूव करना है तो आप किस तरीके से उन्हें चांस दोगे कि वो अपने अटेंशन को इंप्रूव कर सके देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सेल्फ मॉनिटरिंग बाय द प्यूपिल जो प्यूपिल है यानी कि जो टीचर स्टूडेंट टीचर हैं वो सेल्फ मॉनिटर करें तो इस तरीके के से बच्चे का अटेंशन इंप्रूव हो सकता है या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय द प्यूपिल प्यूपिल जो है वो डायरेक्ट बच्चों को ऑब्जर्व करे तो इस तरीके से बच्चे का अटेंशन इंप्रूव हो सकता है या फिर मॉनिटरिंग बाय द प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स के थ्रू मॉनिटरिंग करें और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज देखिए अगर आपको क्लासरूम में अपने स्टूडेंट का अटेंशन इंप्रूव करना है तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग बाय प्रिंसिपल आपको ये इन तीनों चीजों में ध्यान रखना होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज़ है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने दे रखा है द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज ये जो इंग्लिश वर्ड है लैंग्वेज ये आपका एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि कौन सा है आपको ये डिकोड करना है यहाँ पे आपको लिंग्वा आपको पता होना चाहिए लिंग्वा का मतलब होता है एल आई एन जी यू ए लिंग्वा वर्ड का मतलब होता है टंग टंग क्यों यूज किया गया क्योंकि हम अपने टंग को ट्विस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बोल सकते हैं लैंग्वेज वर्ड लिंग्वा से डिराइव हुआ है जिसका खुद का मतलब होता है टंग अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है आप लोगों के सामने लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कहां से होती है पहला ऑप्शन है स्पीकिंग सेकेंड ऑप्शन है रीडिंग थर्ड ऑप्शन है राइटिंग और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज देखिए अगर हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो हम रीड और राइटिंग हमारी बाद में आती है जैसे कि हमने एल एस आर डब्ल्यू स्किल पढ़ी है सबसे पहले लिसनिंग स्किल सबसे पहले आपकी डेवलप होती है एंड देन स्पीकिंग और फिर रीडिंग और लास्ट में राइटिंग तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं लिसनिंग स्किल तो हमें दी नहीं गई तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे जो कि है स्पीकिंग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज इज डैश ऑल प्रोसेस जो लर्निंग लैंग्वेज है उसे किस तरीके का प्रोसेस माना गया है यहां पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं इंक्लूसिव डिलेट एक्सक्लूसिव और इमीडिएट देखिए इमिडिएट प्रोसेस नहीं है आप किसी लैंग्वेज को इमीडिएटली आप दस से बारह दिन में लर्न नहीं कर सकते डिले डिले होने वाला प्रोसेस नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगी आपके पास दो ऑप्शन बच गए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इसे लैंग जो लर्निंग लैंग्वेज है इसे इंक्लूसिव प्रोसेस माना गया है एक इनडेफ प्रोसेस जिसमें हम डिटेल में किसी लैंग्वेज के बारे में लर्न करते हैं या फिर चीजें एक्वायर करते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमंग स्टूडेंट अगर हमें राइटिंग स्किल स्टूडेंट के अमंग डेवलप करनी है a language teacher must importantly focus on तो लैंग्वेज टीचर को किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए सबसे पहला ऑप्शन है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट सेकेंड ऑप्शन है वर्ड लिमिट थर्ड ऑप्शन है एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया और फोर्थ ऑप्शन है गुड हैंड राइटिंग क्लासरूम में राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बच्चा अपने एक्सप्रेशन को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है देखिए ग्रामेटिकल एस्पेक्ट राइटिंग स्किल के अंदर नहीं आ सकता राइटिंग स्किल हम लोग किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस चीज को फोकस करता है तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म पे दिया हुआ है क्वेश्चन जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन है हम लोगों के सामने इन कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी और लैंग्वेज लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में लैंग्वेज लर्निंग का क्या मेन रोल है ऑप्शन है हम लोगों के सामने चिल्ड्रन डिस्कवर रूल ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल एग्जाम्पल की हेल्प से बच्चा रूल ऑफ ग्रामर को डिस्कवर करता है सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग बच्चा चीजों को एक्सपीरियंस करने के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को फॉर्म कर सकता है नेक्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स एड्स मतलब जो टीचिंग एड्स होते हैं इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है और लास्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन बिलीव डैट इंग्लिश इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ये बोलती है कि बच्चा अपने ओन एक्सपीरियंस से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतरीन बना सकता है इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा पर बाकी ऑप्शन कैसे करेक्ट नहीं है देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि ग्रामेटिकल रूल फॉर्म करता है ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है सेकंड थर्ड ऑप्शन में हमें यहाँ पे बता रखा है कि वो अपने खुद के टीचिंग एड बना रहा है टीचिंग एड टीचर बनाती है ना कि स्टूडेंट तो ये ऑप्शन भी गलत होगा और फोर्थ ऑप्शन हमें ये दे रखा है कि चिल्ड्रन ये बिलीव करते हैं कि इंग्लिश एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है ये तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये पॉइंट काउंट नहीं होता तो इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये टिक करना है पहली स्टेटमेंट है इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया इंडिया में इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता है सेकेंड ऑप्शन है इंग्लिश इज अ फॉरन लैंग्वेज फॉर इंडियंस इंडियंस के लिए इंग्लिश क्या है एक फॉरन लैंग्वेज है लास्ट थर्ड ऑप्शन है इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश अब एक ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है और लास्ट ऑप्शन हमें दे रखा है ऑल ऑफ दीज देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो इंडिया में इंग्लिश को हमेशा सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता है ये करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन है इंग्लिश को इंडियंस एज अ फॉरन लैंग्वेज ट्रीट करते हैं ये भी करेक्ट है थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है कि इंग्लिश अब एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है ये भी करेक्ट है तो अगर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीस इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बाय बाय टेक केयर